तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे भारत के राज्य व्यवस्था क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, जैसे कि पीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को होने वाला है और एसआई भर्ती का एग्ज़ाम आपका 29 जनवरी को होने वाला है। यानी कि एसआई भर्ती का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, कल ही इसका न्यूज मिला है। तो एसआई भर्ती का जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उस समय के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। कितने समय? बहुत ही कम समय, कम से कम 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बार राज्य व्यवस्था क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, जो कि आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से। और साथ ही पीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को, और जो लोग पीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। जो लोग आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कीजिएगा। आप ज़्यादा समय पढ़ने का नहीं है, रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पूछा गया प्रश्न है पीएससी और व्यापम में, तो एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कितनी रह गई थी? तो संविधान सभा में आपका 299, ठीक है, 1947 में पूछा गया, ठीक है ना, हाल ही में नहीं पूछा गया कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कितनी रह गई थी? 299, ठीक है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है, ये आप सभी को बिल्कुल आना चाहिए आंसर, रिवाइज करते जाइएगा। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएससी व्यापम का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना, आपको अच्छा लगता है तो और भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, डेली क्लास करते रहिएगा। टाइम की बात करें तो टाइम आपका 7:30 बजे और 8:30 बजे के बीच वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। हम और भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे, और बाकी का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में बहुत सारे वीडियो दिया गया है, जाके चेक कर लीजिएगा, उनको भी पूरा रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है, भारत शासन अधिनियम आंसर डी। कौन से ढांचे को स्वीकार किए? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935। अब देखते हैं पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो एग्जाम में कई बार आया है यह प्रश्न पीएससी में और व्यापम में पूछा गया है, एक नंबर से, ठीक है। पीएससी में 2 नंबर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था आपका 1951 में, 20 जुलाई 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब लागू किया था पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था? 20 जुलाई 1900। आंसर आना चाहिए भाई, सभी लोग आंसर कमेंट करना स्टार्ट करें। कई लोग बच्चे ऐसे ही मतलब रिवाइज कर लेते हैं लेकिन इसका आंसर ये है, बी है, या सी है, कुछ नहीं बताते। कम से कम आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए ना भाई, मैं आप लोगों को जब इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत करके, आप लोग ऐसे ही देख लेते हो, कमेंट करते जाओ ना, गलत होगा तो क्या होगा, आपका रिवाइज होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों क्यों माना जाता है? 30 सेकंड का आपको समय देता हूँ, इसका जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, रिवाइज करते जाइएगा टोटल, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए, भारत का जो एक गणराज्य है मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है? चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आएगा? पोलिंग वोट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आएगा जल्दी बताइएगा। 30 सेकंड आपका समय समाप्त तो होता है। और कितने लोगों, 3 लोगों का आंसर आया है, 3 लोगों का आंसर ए आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा, संविधान की प्रस्तावना में शब्द प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में पूछा गया है सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या होता है, ए बी सी या डी? 30 सेकंड का आपको समय दिया है, चलिए बताइए। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है ईश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, या
ऑप्शन डी सभी धर्मों को अस्वीकारिता। क्या आएगा जल्दी से कमेंट करें। हाँ रिवाइज करके जाना है आपके, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ो मत, रिवाइज करो। कितने लोगों को आंसर दिया है? ए बिल्कुल सही है, 7 लोगों का आंसर आया। धीरे धीरे कम से कम बढ़ तो रहा है कमेंट। जो सेक्युलर शब्द का प्रयोग हुआ है सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता के लिए। चलिए इसका बताइए क्या आएगा, चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं संविधान में? जल्दी देखिए, अब आया ना आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कमेंट करते जाइएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से, अंतिम समय में अंतिम रूप से पारित जो संविधान है कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियों में शामिल किया गया है जल्दी से बताइएगा। कितने लोगों का आंसर सी आया है? 17 से 18 लोगों को आंसर सी आया है और डी 12 से 15 लोगों को आंसर आया है। अरे वाह सर, पता नहीं है क्या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची है, जबकि हाल ही में अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई है, 12 अनुसूची है हाल ही में, लेकिन यह पूछा गया संविधान सभा के अंतिम रूप से पूछा गया है। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, पेकूफ हो। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा आंसर, कमेंट करें जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडियन अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होता है? अब इतना सरल क्वेश्चन और कहाँ पूछेगा, इतना सरल से सरल क्वेश्चन कहाँ पूछेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद ये बताइए क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 कौन सा अनुच्छेद में पूछा गया है? अरे देखिए, भारत एक राज्य का संघ है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है, कौन सा अनुच्छेद आएगा? अरे यहाँ पर संविधान नहीं पढ़ रहा क्या? आना स्टार्ट हो रहा है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड ज़्यादा नहीं दूंगा। चलिए बताइएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहाँ भारत राज्यों का एक संघ होता है, संघ का मतलब यूनियन। हाँ अब आ रहा है आंसर, ठीक है बहुत लेट में आंसर दे रहे हो, फटाफट कीजिएगा। ए बी सी, ए बी सी क्या आएगा? बी ए बी ए पी ए, बहुत सारा आ रहा है आंसर। कितने लोगों का ए आंसर आया है बताइएगा यहाँ पर। जी सर, चलिए इतने लोगों का आंसर आ रहा है 25 से 30 लोगों का, 26 क्या 27 आ रहा है, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 33 और कोई बढ़ रहा है? हाँ अब देखिए कैसे कैसे आंसर दे रहा है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्य का पूछा गया, संघ का मतलब यूनियन होता है, कई बार मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, बार बार संविधान से क्वेश्चन करा था, आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हो। 34, 35, 36 बढ़ते जा रहा है संख्या। देखिए मैं ही बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 1, ठीक है, भाग एक का अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ होता है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होता है। 34 लोगों का आंसर ए आया है और 25 लोगों का आंसर बी आया है, और ये तो नहीं होगा पता है, जब संघ है तो। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब भी मैं बताया, देखिए वरना क्लास में क्लास मत करो, कोई मतलब का नहीं है। अभी बताया हूँ इसका आंसर, अगर आप लोग नहीं दोगे मतलब रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है, क्लास से चले जाओ, कोई मत देखो, ठीक है, रिवाइज मत करो, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, क्लास अटेंड ना करो, पता नहीं है ना, क्लास मत करो यहाँ पर मुझे। अब भी जस्ट बताया और इसका आंसर किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। क्या आएगा जल्दी बताइए, अब भी मैं बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ, देखो यहाँ पर राज्यों का एक संघ होता है अर्थात भारत में पूछा गया अनुच्छेद 1 में, तो यह कौन सा चेंज किया हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन चेंज किया हूँ, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
राज्यों का तो संघ कहा गया है और किसी ने आंसर भी नहीं दिया है, मतलब किसी को पता नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? तो आप क्या पीएससी या व्यापम की किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई? हाँ बताइए। बोलते कि सर टाइम टू टाइम क्लास अटेंड किया करो। मैं तो टाइम टू टाइम क्लास में अटेंड करता हूँ। आप लोग कभी डीप पढ़ के देखे हो? अरे इच्छा यही पर क्या बोले यहाँ पर, मैंने आंसर दिया है सर। अरे भाई आप आंसर दे दिए हो ठीक है, बट संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ तो कहा जाता है। तो आप पीएससी एग्जाम दिलाने जाओगे या फिर व्यापम का? फिर जब रिवाइज कर आ रहा हूँ एक बार रिवाइज कर लो ना, पढ़ने की क्या जरूरत है इधर उधर। चलिए इसका क्या आएगा, आप इसका तो आंसर बता सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए अब स्थायी अध्यक्ष कौन है। अब इसमें भी देखिए ऐसे तुक्का लगा रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा गया, सिर्फ स्थायी अध्यक्ष पूछा गया हूँ। बेवकूफो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, स्थायी अध्यक्ष पूछा गया हूँ। क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आ गया? स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा हूँ। ये बताइएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष? चलिए कमेंट करके बताइए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। हाँ अभी आ रहा है आंसर, भीमराव अंबेडकर। जबकि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष पूछा हूँ तो राजेंद्र प्रसाद बोलना चाहिए ना। चलिए इसका बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके किया था, किसके ने, किसने किया था? संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किसने किया था? चलिए बताइएगा, संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। रिवाइज कराने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर, अब कमेंट ही नहीं आ रहा है किसी का अब यहाँ पर, क्या मतलब। क्या बोले आप, रिवाइज कराने का मन नहीं होता ना ऐसे में। अब मैं एग्ज़ाम में, जब इसका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है, अब एसआई भर्ती का भी एग्ज़ाम आ गया है 29 जनवरी को है, और यहाँ पर कमेंट किसी का आ नहीं रहा है, तो फिर वीडियो रिवाइज कराने से क्या मतलब फिर? और बोलते कि सर 7:30 बजे आ जाया करो क्लास। मैं तो समय से आ जाता हूँ, आप लोग समय से पढ़ लो ना भाई, समय से तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, क्या परेशानी है बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करें क्या प्रॉब्लम है, कि डीप पढ़ना चाहोगे? डीप पढ़ा दूँ, फिर से पढ़ाऊँ क्या क्लास में? पूरा डिटेल पढ़ाना है सर, हमने तो जवाब दिया है। अरे भाई 2 से 3 लोग जवाब दे दोगे मतलब क्लास कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो और वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ गए हैं? कमेंट तो कर सकते हैं ना, जब मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी टाइम पास करने थोड़ी ना आया हूँ मैं यहाँ पर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। या फिर आपको मालूम नहीं तो तुक्का लगा लो भाई, ए बी सी डी, आपको कुछ पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका बताइए तो अब, भारत एक गणतंत्र है, किसका, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, अब आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए आंसर सी बहुत लोगों का आ रहा है, अब आंसर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और बिल्कुल सही है ना भाई, वंशानुगत शासक नहीं है ये, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? एक वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है, शासन व्यवस्था है, सभी मामलों अंतिम अधिकार की जनता के पास है। क्या आएगा इसका बताइएगा, इसका क्या आंसर आएगा?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व, लोक कल्याण। अब इसका इतना सरल क्वेश्चन आपको कहाँ पूछेगा, इससे सरल क्वेश्चन कहाँ पूछेगा बताइए। ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ, लोक कल्याण, जो उद्देश्य में नहीं है। जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु तत्व संपन्न, ये तो तीनों ही है ना भाई संविधान के उद्देश्य में, लोक कल्याण नहीं है। डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं डी। तो यहाँ पर सी डी ये क्या है, अब संविधान का उद्देश्य नहीं पड़े क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जल्दी से बताइए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ऑप्शन ए बी सी डी, कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रबंधन। आंसर भी बहुत लोगों का आ रहा है, अब नाम नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर। अब और डी भी आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। वर्तमान नंबर 2016 यानी कि वर्तमान में नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां थी? इसका आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, 22 भाग और 12 अनुसूची, बिल्कुल सही है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। वह अब इसका बताइए संविधान के धाराओं की कुल संख्या कितनी, धारा पूछा गया। वर्तमान में देखिए नवंबर 2016 में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या है 448, कितना है 448। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, चलिए बताइए, इसका तो फटाक से आंसर आना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें ना, टाइम नहीं है, फटाफट आंसर कीजिए, चलिए क्या आएगा, जितना हो सके आंसर कमेंट करें, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी से फटाफट, गलत होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करके जाओगे ना। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी, कब होती है, कब होती है, 10 दिन के बाद होती है, 10 दिन के पहले, क्या आएगा आंसर कमेंट तो करें, या कभी नहीं होती, क्या आएगा? लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है, कभी नहीं होती, क्या होगा, 10 दिन बाद होता है, कुछ तो रिप्लाई करें, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? लोकसभा व राज्यसभा से क्वेश्चन आता है, संसद से क्वेश्चन आता है, संविधान से, राज्यसभा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, रिवाइज कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 दिन हो गया, रिवाइज कर लो कर लो, अब नज़दीक है ऐसा एग्जाम, अब 29 जनवरी को, अब क्या करोगे बताओ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने पर होती है, खत्म होने पर नहीं होती, संसद कैसे, क्या आएगा सी सी सी, अब आंसर कैसे आ रहा है अभी, में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की, अब इसका बताइए क्या आएगा, संविधान सभा गठन की मांग की थी 1938 में, कौन सा व्यक्ति है, यानी कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर, मताधिकार के आधार संविधान सभा गठन की मांग की थी, संविधान सभा गठन की मांग की थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक क्लियर हुआ, संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1938 में, ठीक है। 1942 के आयोजन के यह स्वीकार किया गया था कि भारत एक निश्चित संविधान की सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा, क्या आएगा, क्रिप्स योजना, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा, ऐसे आंसर आ गया, देखिए नरगिस दत्त, बिल्कुल सही है, देखिए आंसर आया है सी, 70%। अब आंसर स्टार्ट हो गया आना, अब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है फटाफट, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, यह भी इसका आंसर आ गया, देखिए हाँ, अब आ रहा है आंसर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है,
ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है आपको राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आंसर, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं संविधान के अनुसूचित भाग से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संविधान के भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है, नागरिकता। भाग तीन में मूल अधिकार। भाग फोर में राज्य के नीति निर्देशों पर तत्व। डायरेक्ट मैं फटाफट करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। भाग चार में मूल कर्तव्य है। भाग पाँच में संघ अनुच्छेद 52(c)(51) तक लिया गया, ठीक है। भाग पाँच में अनुच्छेद 52(c)(51) तक लिया गया, याद कर लीजिएगा, 52 से 151, ठीक है। अब देखिएगा भाग छः, राज्य के अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग सात में अनुच्छेद 238 निरसित, ठीक है। भाग आठ में राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग नौ में पंचायत से संबंधित। भाग दस में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। भाग ग्यारह में क्या क्या है, संघ राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक, ठीक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संबंधी संविधान और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। इसके बाद है भाग 14 में दिया गया है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जो कि अनुच्छेद 308 से 328 तक, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। उसी प्रकार भाग 16 में दिया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, किसके संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जो आपके अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम में पूछा गया है कि भाग 18 किससे संबंधित है, भाग 18 आपका आपात उपबंध से संबंधित है, ये 352 से 360 के बीच लिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार भाग 19 प्रकीर्णन, ठीक है। उसी प्रकार भाग 20 में लिया गया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण काल की विशेष उपबंध। उसी प्रकार भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभिका और निरसन, संविधान की यह पूरा टोटल 22 भाग और अनुसूचियां थी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से लिया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा। 352 अनुच्छेद आपात उपबंध का जो उद्घोषणा है, 353 में आपात उद्घोषणा का प्रभाव, 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राज्यों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना है, 355 में बाह आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण संरक्षण का संघ कर्तव्य, ठीक है, 355 में। उसी प्रकार 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। ये आपका 352 से लेकर 360 ये आपका भाग 18 से लिया गया है आपात उपबंध से, भाग 18 में आपात उपबंध से 352 से 360 के बीच। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 356 के अधीन जो उद्घोषणा की गई है विधायी शक्तियों का प्रयोग था। उसी प्रकार आपात उपबंध के अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है 358 में, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रबंधन निलंबित किया था, और 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, ठीक है। उसी प्रकार भाग 9 में पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा, भाग 9 में पंचायत और नगर पालिकाएँ से संबंधित है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 243 में परिभाषाएँ हैं, ठीक है, 243 में परिभाषा, 243 का में ग्राम सभा, 243 का में पंचायतों का गठन, 243 का में पंचायतों की संरचना, 243 का में स्थानों का आरक्षण। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी है पूरा, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। कैसे ट्रिक है ये पूरा नगर पालिका संबंधित है, ये एग्जाम में पूछता है, देख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ये सहकारी सोसाइटियाँ हैं भाग 9 के खा में, ये पूरा आप देख लीजिएगा, इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित है, परिभाषा मूल अधिकार जितने भी है, देखिए धर्म जाति लिंग या अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। धर्म मूल्य समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 में दिया गया है, ये जितने भी है सब स्वतंत्र अधिकार है, ठीक है। देखिए 19 में
अधिकारों का संरक्षण है, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 का में शिक्षा का अधिकार है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण, अनुच्छेद 22 में यह सब दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें मानव की दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध है, यह आपके PSC में पूछा गया है। उसी प्रकार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन। अब धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 25 से लेकर 26 27 से जितने भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर 28, ठीक है, ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है ये सब। उसी प्रकार यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, जो आप देख सकते हैं 29 30 अनुच्छेद है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं का, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, निराश्रित कुछ विषयों के व्यक्ति दिया गया है, ठीक है। जो लोग और भी PSC या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और भी आगे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लास कराया जा रहा है।